परमेश्वर अनुग्रह। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ बताने की। गुरुदेव कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन सदैव मंगलकारी है, कि हरिनाम जो है जहाँ पर कहीं पर भी किया जाएगा वहाँ हो रहा अमंगल भी क्या होगा, मंगल में जो है परिवर्तित हो जाएगा, मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता। तो जैसे कि बताया गया, कहीं अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और कहीं हमें हरिनाम संकीर्तन सुनने को मिल गया तो क्या हमें वहां रुक जाना चाहिए? हाँ, तो इसमें प्रश्न में उत्तर दिया गया कि हाँ रुक जाना चाहिए, कि अगर हम रुक गए तो जिस लक्ष्य को साधने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिस कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ देरी होगी और वह अमंगल हो जाएगा। तो बताया नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बताया ना अमंग जो भगवान का नाम है वो सदैव मंगलकारी है, वो हमेशा मंगल करता है। कैसे, यहाँ पर एक लीला के माध्यम से हम लोग जो है श्रवण करेंगे। एक बार क्या हुआ, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जो है हमेशा श्रीवास पंडित जी के आंगन में जो है नित्य संकीर्तन करने जाया करते थे। रात्रि में वहां पर हमेशा नाम संकीर्तन हुआ करता था। तो जो श्रीमद् श्रीवास पंडित जी का जो पुत्र था, वो जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन किया करते थे तो वो उसमें झांझर बजाया करता था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, किसी भयानक रोग के कारण श्रीवास पंडित जी की जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है संध्या के समय में। तो जब श्रीवास पंडित जी की जो पत्नी थी वो बहुत तेज तेज रोने लगी और कहने लगी, हाँ मेरा पुत्र जो है मर गया है, इस तरीके से। जब उनकी करंदन की आवाज श्रीवास पंडित जी ने सुनी तो वो वहां दौड़ करके आए, कहने लगे क्या हुआ? तो बता रही है कि देखो हमारा जो पुत्र है वो मृत पड़ा है, इसकी जो है मृत्यु हो गई है और वो तेज तेज रोने लगे। तो श्रीवास पंडित जी कह रहे हैं कि तुम जो है रोना बंद करो, चुप हो जाओ, क्या ये तुम्हारा पुत्र, क्या सिर्फ ये तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र ये कुछ नहीं लगता, क्या मेरा भी तो पुत्र है, तुम जो है चुप हो जाओ। लेकिन वो जो है चुप नहीं हुई। तो फिर श्रीवास पंडित जी कहते हैं कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो जो है आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में शोक हुआ है, और शोक के कारण क्या होगा, सभी लोग आसपास के लोग हमारे घर डेरा जमाने लगेंगे, सब लोगों को पता चल जाएगा, और जो नित्य जो संकीर्तन हमारे घर में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु करने आते हैं उसको उन्हें करने के लिए किसी और अन्य जगह पर जो है जाना पड़ेगा, उससे उनको जो है बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो वो किसी तरीके से जो है चुप हो जाती है और उनका जो पुत्र है वो किसी एक कमरे में उसको लिटा दिया जाता है। अभी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित जी के आंगन में पधारे और हर दिन की तरीके से जैसे नित्य वहां पर नाम संकीर्तन होता है, रात को जागरण होता है, इसी तरीके से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने वहां हरिनाम संकीर्तन जो है आरंभ कर दिया, और वो जो है हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं ऊंचे ऊंचे स्वर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हो रहा था। तभी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी से पूछते हैं, श्रीवास पंडित जी आपका पुत्र कहाँ है, आज वो जो है कीर्तन में दिखाई नहीं दे रहा, वो तो बड़ा अच्छा झांझर बजाता था। तो अभी श्रीवास पंडित जी जो है कैसे बताएं कि उनका जो पुत्र है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो मर गया है, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो सारा का सारा जो माहौल संकीर्तन का है वो जो है खराब हो जाएगा और उसमें शोक की लहर आ जाएगी। तो इसीलिए श्रीवास पंडित जी सिर्फ इतना कहने लगे प्रभु वो तो, और इतना कहते ही क्या हुआ, तभी वहां से कोई वैष्णव आया और उसने बताया श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को कि महाप्रभु जी आज तो जो है श्रीवास पंडित जी का जो पुत्र है वो संध्या को ही मृत्यु को जो है प्राप्त हो चुका है। और अद्वैताचार्य जी बता रहे हैं कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी वो जो इनका पुत्र है वो तो आज संध्या को ही मृत्यु हो चुका, मतलब मर गया है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिस घर में सदैव हरिनाम संकीर्तन होता हो, हरिनाम संकीर्तन क्या है, अमंगल को भी मंगल कर देने वाला है, और वहां पर इतना बड़ा अमंगल कैसे हो सकता है।
तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी जो है श्रीवास पंडित जी के पुत्र को आवाज लगाते हैं, अरे ओ श्रीवास पंडित जी के पुत्र किधर है, इधर आ जा। और जैसे ही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने उसको आवाज लगाई और वो तुरंत दौड़ करके जो है हरिनाम संकीर्तन में उपस्थित हुआ और उसने जो है दोबारा से संकीर्तन को आरंभ किया। और आप देखिए कितना बड़ा जो है अमंगल हो रखा था, लेकिन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन कर रहे थे, बताया ना कि मंगल को अमंगल को भी वो मंगल कर देता है। इसी तरीके से बताया गया कि भगवान का नाम जो है सदैव मंगल ही करता है, कभी भी वो अमंगल कर ही नहीं सकता। और उसने फिर दोबारा से कीर्तन को आरंभ किया और उस रात्रि पूरा अच्छे तरीके से, जैसे नित्य वहां पर संकीर्तन होता था नाम संकीर्तन, ऐसे ही होगा। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण। जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, जब उनका बच्चा ने शरीर छोड़ दिया, तो महाप्रभु सुन करके गए, वहाँ पर गए और उसको छाती पर जब हाथ रखा ना, बच्चा दो बार जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया फिर महाप्रभु उसको पूछने लगे, बेटा बेटा तू कहाँ चला गया? बोले मेरा तो और भाग्य था जो कि किसी भक्त घर में जन्म हुआ है। इसलिए हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर किसी भक्त घर में अगर कुत्ते रूप में भी तुम्हारी जन्म हो जाए तो उसका भी कल्याण हो जाए। करना पहला रोटी गैया को, अंतिम जो लास्ट रोटी कुत्ते का। लेकिन किसी भक्त घर में अगर कुत्ता जन्म होगा तो क्या मिलेगा? पहले ठाकुर को भोग लगना है, जो खाएगा मंगलवार को तो भोग लगना, फिर खाएगा नहीं, फिर उसको बाद में फिर वो प्रसाद, फिर जितने वैष्णव लोग करना नियम है, जब ठाकुर को भोग लग जाए वो प्रसाद को फिर ठाकुर को आचमन दे करके फिर नियम है इदम महाप्रसादम आई गुरव नम, गुरु जी को देनी चाहिए। उसके बाद में समस्त वैष्णव नम वृंदा देवी सखी पौर्णमा से सबको ये भोग लगानी चाहिए। भोग लगा करके फिर वो प्रसाद को फिर उनको भी हाथ धोनी चाहिए, नियम है। अभी सब राधा, पहले कृष्ण पाए, राधा रानी ललिता विशाखा सब सखियों को प्रसाद मिला। फिर ये प्रसाद जब सबको मिला, फिर उसको बाद में जो घर में जो भक्त वो प्रसाद पाए, फिर लास्ट का जो प्रसाद क्या होता है, जो बच जाती है वो कुत्ते को देते हैं। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर वैष्णव घर में यदि हईता कुकुर एठो दिया ताराई तो वैष्णव ठाकुर, अगर भक्तों के घर में अगर हम कुत्ते बनकर भी जन्म हो जाते, वैष्णव ठाकुर क्या करते, हमें अपना उचिष्ट दे करके हमारी उधार हो जाता है, उधार हो जाता। वो कहता है मेरे तो कितने भाग्य है। इसलिए हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभु अगर हमें भक्तों का संग अगर नहीं मिले ब्रह्मलोक में भी, हमें स्वर्ग लोक में अगर संतों की संग नहीं मिले, भक्तों की संग, हमें वो वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए हैं। इसलिए वहीं पर जन्म दो प्रभु, जहाँ पर तुम्हारी भक्तों का संग हो, जहाँ पर तुम्हारी कीर्तन सुनने को मिले, जहाँ पर तुम्हारी कथा सुनने को मिले, जहाँ पर तुम्हारी सत्संग मिलने को मिले, कि हमें वहीं पर जन्म दो, हमें वहीं पर जन्म दो। वो बच्चा कह रहा है, बोले मेरे अहोभाग्य था जो कि बचपन में किसी भक्त घर में श्रीवास पंडित को नारद है, उनके घर में हमें क्या मिला, उनके घर में जन्म मिला, फिर बचपन में आपका दर्शन मिला, आपका नृत्य कीर्तन सुनने को मिला, मेरे कितने सौभाग्य प्रभु जी, और भाग्य है मेरे को, सभी का कृपा मिला। एक दिन तो शरीर छूटना ही है, आज हो नहीं तो 100 साल के बाद में हो, शरीर तो सबको छूटेगा ही, लेकिन जहाँ आप साक्षात हो, आपका कीर्तन साक्षात ठाकुर जी जिस घर में, उसी घर में आपकी कीर्तन सुनते सुनते शरीर छुटना थोड़ी आसानी बात, बड़ी सौभाग्य की बात। इसलिए प्रभु आपको कृपा से जितना दिन तक आप कृपा करके रखे उतना दिन तक रहा, उसको बाद में फिर आपने जहाँ भेज दिया मैं वहीं चला गया, लेकिन जहाँ गया प्रभु ना बहुत अच्छे जगह पर गया। वो कह रहा है जहाँ पर भेजे बहुत अच्छे जगह पर भेजे, क्योंकि जो भक्त घर में जन्म लेता है, भजन करता है, जो भ्रष्ट विजारते, अगर भजन करते करते बीच में अगर किसी भक्तों का बीच में मृत्यु हो जाती है, कहते कहां पर जन्म लेता है, किसी अच्छे वंश में जन्म लेता है, क्योंकि भजन कभी नष्ट नहीं होता है। भजन कभी कहते ना
वीरा कहती है दीन दीन बड़ा तसवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो भक्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती है। अगर इसी जीवन में भजन करते करते अगर इसी जीवन में हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुआ बोले कोई चिंता नहीं, अगले जीवन में सीमांत ग्रह मतलब है कुछ अच्छे खानदान में अच्छे परिवार में बढ़िया घर में जन्म देंगे ठाकुर जी, बहुत अच्छे घर में जन्म देंगे जहाँ पर माँ की पेट से ही तुम भगवान की भजन करना शुरू कर दोगे। जैसे माँ की पेट में बच्चा है, मैया अगर कथा सुनती तो बच्चे भी बैठे बैठे कथा सुनता कि नहीं। प्रहलाद कह रहा है ना बच्चों को, बच्चों ने पूछे तुमको इतने ज्ञान मिले कहाँ से, बल जब मैं माँ की पेट में था नारद जी हमें मैया के आश्रम में ले गए थे, नारद जी कथा सुनाते थे, मैं माँ की पेट में बैठी बैठी कथा सुनता था। मैया जैसे परिक्रमा करती है, तुलसी पेट में बच्चा है वो भी क्या करता है, वो भी मंदिरी परिक्रमा करता है, हैं? इसलिए मैया जैसे ठाकुर का प्रसाद पाती है, प्रसाद पाएगी तो पेट में कौन है, बच्चा है, बच्चा क्या खाता है, माँ जो खाती तो वही खाती है ना, माँ जो खाती है वही खाता है बच्चा, वो भी भगवान का प्रसाद ही पाता है, वो भी ठाकुर जी की प्रसाद भी वही पाता है। इसलिए बड़े भाग्य से इसलिए कभी उनका पतन नहीं होगा है, जो भक्ति करते करते बीच में अगर शरीर छूट जाएगा तो कुछ भी हानि नहीं, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं, तुम्हारी अगले जीवन से बढ़िया घर में जन्म बढ़िया परिवार में ठाकुर जी जन्म देंगे। इसलिए वो बच्चा कहता है मेरा अहो भाग्य था जो कि भक्त घर में जन्म हुआ ठाकुर जी, इसलिए अभी यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा करे। जब उन्होंने फिर उन्होंने ज्ञान की बात बताई बोले प्रभु संसार में तो कोई किसका है, एक दिन सबको जाना पड़ेगा क्योंकि ये संसार झूठा संसार है, मैं मेरी तेरी तेरी ये माया है। माया मतलब क्या है, जो जो चीज नहीं वो चीज को बोलना यही माया है, हैं वही माया है। इसलिए संसार में तो झूठा है, आज है कल है नहीं, ये तो माया है झूठा संसार है। इसलिए प्रभु इसलिए ये झूठा संसार है, लेकिन प्रभु जी एक दिन तो एक दिन शरीर छोड़ना है, इसलिए मैं बहुत खुश में हूँ, मैं बहुत खुश में हूँ। जब उन्होंने ये बात बताई ना फिर महाप्रभु पूछे परिवार से बेटे को जिंदा कर दो, जिंदा तो हो गया बात कर रहा है, जिंदा होकर बात कर रहा है, मरी हुई बच्चों को जिंदा किया है। देखो भगवान किसको कहते हैं, हम लोग ना जिसको जिसको भगवान बोल कर कोई जादू टोना दिखा दिया थोड़ी सी बहुत दे दिया थोड़ी सी कदारी हमको भगवान हमको भगवान नहीं, ईश्वर उसको देते हैं जो मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हैं, जिंदा को जो मार सकते दिन को रात, रात को जो दीन कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण उन्होंने तीन तीन बार जिंदा किया मरे हुए बच्चों को, कितना बार जिंदा किया, कब कब बोलो, हाँ कब कब जिंदा किया बोलो। एक बार उन्होंने गुरु पुत्र को जिंदा किया, जब देवकी को पता चला गुरु पुत्र को मरे हुए बच्चे को लाए, फिर देवकी बोली बोले बेटा मैंने क्या सुना है तुम गुरुकुल में जो पढ़ने गया था तुमने मरे हुए बच्चे को तुमने वापस लाए हो, मेरे को भी छह छह बच्चे को कस्से ने मार दिया, मेरे बेटे को ला सकते हो। भगवान गई फिर जब स्वर्ण मरे हुए बच्चे को लेकर जाए, फिर द्वारका में एक ब्राह्मण का बच्चा जन्म लेते ही मर जाता था। एक समय उनकी सभा बैठी हुई थी, ब्राह्मण ने बड़ी गाली गलौज की है, इतने में अर्जुन खड़ा हो गया बोला अगर इस बार तुम्हारा बेटे को मैं बच्चा नहीं पाया तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं सशरीर में शरीर को मैं दाह कर दूंगा। इतने में ब्राह्मण गाली दिया बोले तू क्या जिंदा कर तू क्या बचाओगे, साक्षात भगवान बैठे हुए कृष्ण यहाँ पर, साक्षात दाव भैया प्रदीप ने अनिरुद्ध जब रक्षा नहीं कर तू क्या करोगे। बोले मैं कृष्ण नहीं, मैं बलराम प्रभु नहीं, मैं स्वयं अर्जुन हूँ, गांडीवधारी अर्जुन हूँ। हर समय तो बच्चा जन्म लेते ही बच्चा शरीर रहता था मर जाता था, लेकिन इस बार तो बोले केवल मेरे को जब बच्चा जन्म होने का समय में बुला देना, उसको बुलाया भागते भागते आओ बच्चा जन्म लेगा। धनुष में ऐसे बाण मारा, शुद्ध का गृह को ऐसे बाण मारा हवा भी घुस नहीं सकता है, अर्जुन खड़ा हो गया दरवाजे में। हर बार तो बच्चा जन्म लेकर के थोड़ा शरीर रहता था, लेकिन इस बार जन्म हुआ शरीर समेत गायब, पूरा शरीर समेत गायब। फिर तो ब्राह्मण इतने गाली दिया, इतने ब्राह्मण ने गाली दिया,
अरे अर्जुन तो साधारण नहीं, फिर देखा वो बच्चा गया कहाँ पर, लेकिन वो दुनिया में है। फिर जब अर्जुन शरीर त्याग देने जा रहा था, कृष्ण बोले मेरे साथ साथ में आओ, और उनको लेकर गए कहाँ पर, भगवान विष्णु के पास, महाविष्णु के पास में गए। जब महाविष्णु के पास में गए, महाविष्णु ने कहा प्रभु, हे प्रभु, कृष्ण को बोले हे प्रभु, आप इतने सुंदर, आप इतने सुंदर, केवल आपको दर्शन करने के लिए मैंने बच्चों को चुन किया, मेरे जीवन धन्य हो गया है आपको दर्शन करते हुए। सारे बच्चों को आपने सुना, तीन तीन बार उन्होंने बच्चों को, मरे हुए बच्चों को उन्होंने जिंदा किया। कहते महाप्रभु भी ऐसे ही मरे हुए बच्चों को जिंदा किया है, एक बार तो यहाँ पर बच्चों को जिंदा किया है, एक बार उन्होंने जगन्नाथपुरी में बच्चों को भी जिंदा किया। कहते से सार्वभौम जो भट्टाचार्य का उसका जो दामाद था है, महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य घर में पर, उनको खिला रहे थे ना, उसको देख करके उन्होंने बड़ी ईर्ष्या किया, ईर्ष्या किया, तो इतने में बा सार्वभौम भट्टाचार्य उसको माँ उनको बेटी को गाली दिया, बोले तू रांडी हो जा, रांडी मतलब विधवा हो जा है, भगवान के भोजन को देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, इधर में तो कलरा हो गया, मर गया, मर गया। तो इतने में महाप्रभु को पता चलते, फिर महाप्रभु आए, उसको छाती पर हाथ रखते, जीवन जिंदा हो गया। तो बेटा तू तो ब्राह्मण घर में जन्म हुए हो, तू तो दामाद घर के हो है, हर समय तो बढ़िया बढ़िया, हमारे बुजुर्ग दामादों को तो देवता जैसे पूजा करते हैं, दामादों को है बड़े पूजा करते हैं, दामादों को बढ़िया 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 भोजन खिलाते हैं, बोले रोज रोज तो तुम खाते हो, हर एक दिन तो मैं आया हूँ है, वो महाप्रभु के लिए बढ़िया बढ़िया रोजी बनाया था। वो आकर के ना जब महाप्रभु बुलाए और उसको उसको दामाद को दूर रख रहा था, जानते बड़ा लोभी है, इतने पैसे छप्पड़ छप्पड़ कर रहा था, बोला संन्यास को बुलाया, पता नहीं क्या क्या कल से रोसी बना रहे, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाए, ऐसे छपट कर रहा था, और देख लिया क्या महाप्रभु के कितने तरह तरह का आदमी व्यंजन भरा हुआ था, बोले सन्यासी इतना खाता है भगवान को बोले, बोले सन्यासी इतने खाता है, इसलिए उनको बड़ा क्रोध आया। फिर मैंने उनको चिंता कर दिया, बोले देख तो ब्राह्मण हो, हृदय में ईर्षा द्वेष नहीं रखनी चाहिए, ब्राह्मण का हृदय तो सरल होता है, ईर्षा द्वेष नहीं रखनी चाहिए, वहां को फिर जिंदा कर दिया, इसलिए मरे हुए। और एक बार उन्होंने महाप्रभु ने और कब है और एक बार उन्होंने और एक बार मरे हुए बच्चे को भी उन्होंने महाप्रभु ने और भी उन्होंने जिंदा किया महाप्रभु, इसलिए तीन तीन बार मरे हुए व्यक्ति को उन्होंने जिंदा कर लेते हैं, इसलिए भगवान साधारण नहीं होते। इसलिए यहाँ पर बोले बच्चे को जिंदा कर दो, बोले नहीं, जब खुद कहता है मैं बढ़िया जगह पर हूँ, बढ़िया स्थान पर हूँ, प्रभु जी उसको जिंदा करने का जरूरत नहीं, बढ़िया से वो बढ़िया से रहे है, बढ़िया से रहे। इसलिए महाप्रभु जब ये बात पता चला ना, महाप्रभु श्रीवास के ऊपर भी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, भले ऐसे जो भक्त हैं जो मेरे सुख में भी अपना बेटे सबसे प्यारा होता है, लेकिन उसका दुख भी उन्होंने भूल गए, बैठिया ऐसे संगत को मैं छोड़कर संन्यास कैसे ग्रहण कर, वहां पर रोने लग गए ऐसे भक्त। इसलिए ये जो कथा है हमें शिक्षा देता है, भैया हमें किसी स्थिति में भी भगवान की भजन को हमें नहीं छोड़नी चाहिए, हाँ एक दिन तो संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन साथ में क्या जाएगा, साथ में ठाकुर जी की नाम ही, भगवान की भजन ही साथ में जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिव सद्गौरभक्तवृंद, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम में मंगलाचरण के तीन श्लोक हैं, उनमें से प्रथम श्लोक की व्याख्या के लिए जैसे मैंने श्रवण किया है और जो तुम्हें धारण कर पाया उसी की मैं पुनरावृत्ति करने की चेष्टा करूंगा। बताया कि मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है,
सर्वप्रथम वंदना मूलक जिसमें हम प्रणाम करते हैं, और एक होता है आशीर्वाद मूलक, और एक होता है वस्तु निर्देश मूलक। तो सबसे पहले श्लोक में, पहला श्लोक है भागवत में मंगलाचरण का, उसमें वंदना की गई है, और दूसरे श्लोक में बताया वस्तु निर्देश, और तीसरे में आशीर्वाद मूलक वंदना हुई है। तो सर्वप्रथम हम श्लोक के श्रवण करेंगे। जन्मादस्य यतो अन्वयादि तर्तश्च अर्थेषु अभिज्ञे स्वराट तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो त्रिशत्र त्रिशंगो मृषा धामना स्वेन सदा न्यस्त कुहं कुहं सत्यं परम धीमहि। इसके अर्थ बता रहे हैं कि जन्म आदि अस्य, जिनसे सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, अन्वया इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ, जो सारे इस जगत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवगत रहते हैं, जिनको इस जगत के और पर जगत के सारी सब का पता है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, और स्वराट जो अपने स्वरूप में ही राजते हैं। स्वराट का अर्थ बताया स्वराजते इति स्वराट, जो अपने स्वरूप में विराजते हैं। स्वराट का दूसरा अर्थ भी होता है महान, जो सबसे महान है, और तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवे, जो आदि कवि जी, आदि कवि हैं कौन है, ब्रह्मा जी। तेने मतलब जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सर्वप्रथम इस भागवत को प्रकाशित किया, उनको श्रवण कराया। मोयंती यत सूर्य, जिनसे देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या है, मोहित हो जाते हैं। और तेजो वारी मृदा, जिस प्रकार अग्नि में स्थल की और स्थल में जल की प्रतीति होती है, आपने देखा होगा जब हम गर्मी के समय में सड़क पे चलते हैं, रोड पे, दूर से देखना ऐसा लगता है जैसे आग लग रही हो, और जल भी दिखा ऐसा लगता है जैसे जल जल बह रहा हो, तो ऐसे वारी मृदा मतलब मिट्टी में जल की और जल में स्थल की प्रतीति होती है, और स्थल में जल की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यथा विनिमयो त्रिसर्गो, उसी प्रकार ये सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, अमृषा मिथ्या होने पर भी सत्यवत प्रतीत होती है। फिर बताया धामना स्वयं सदा निरस्त भूकम, भगवान अपने आप में ही स्वयं प्रकाशित हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है प्रकाशित होने की, परंतु और जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको प्रकाशित होने की कुछ ना कुछ आवश्यकता है, भगवान अपने आप में स्वयं प्रकाशित हैं। निरस्त भूकम, जो सारे जगत के अंधकार को दूर कर देते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। अब इसमें बताया कि ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ, पर परम सत्य कौन है इसमें स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन नहीं हुआ। बता दिया कि जिनसे सृष्टि स्थिति प्रलय होती है उनका मैं ध्यान करता हूँ, इनसे होती है ये स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन नहीं हुआ। तो निम्बार हमारे चार वैष्णव संप्रदाय हैं, उसमें से निम्बार संप्रदाय है उसके विष्णु स्वामी संप्रदाय, उसके एक वैष्णव हैं आचार्य श्रीमद बल्लभाचार्य जी, जिन्होंने क्या लिखा है, मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चरितम मधुरम, सब कुछ मधुर मधुर, किसका, भगवान का बताया, कृष्ण का, चलते ही मधुर है, वाणी मधुर, पादो मधुरम, उनका धाम में मधुर, सब कुछ मधुर मधुर बताया उन्होंने। इसका स्पष्ट रूप से वर्णन बताया, स्पष्ट रूप से बताया कि कृष्ण कौन है, परम सत्य है, जिनसे क्या होता है, जन्म आदि अस्य, जिनसे इस सारे जगत की, इस जगत की भी और जड़ जगत की भी सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, और जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। फिर बताया जो इसने पहले बताया, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश किया, और फिर बताया कि सत्यम परम धीमहि, ऐसे जो परम सत्य हैं कृष्ण भगवान, मैं उनका ध्यान करता हूँ।
जिस समय भगवान देवकी के घर में आए उस समय देवता स्तुति कर रहे हैं, सत्यवृतम सत्य परम त्रिशत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यात्मकम ताम सत्यस्य सत्यवृत सत्य नित्यम सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्नम। इसमें बता रहे हैं कि आप कौन हैं, सत्यव्रत हैं। भगवान को देवता कह रहे हैं कि आप सत्यव्रत हैं, सत्य परम परम सत्य हैं, त्रिसत्यम तीनों तीन त्रिकाल में सत्य रहते हैं, सत्य से योनि निहितम से सत्य, योनि कहते हैं जिससे सब कुछ उद्गम होता है, मतलब जिनसे सब कुछ सृष्टि होती है, निहितम से सत्य जो सत्य में ही निहित हैं, सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्र जो सत्य के भी सत्य हैं, और ऋत सत्य नेत्र उनके नेत्र कैसे हैं, परम सत्य हैं, सत्यात्म काम शरण प्रपन्ना ऐसे जो परम सत्य हैं उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। उसने बताया सत्यव्रतम, भगवान कौन है, सत्यव्रत हैं, वो जो व्रत ले लेते हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अगर युद्ध में कृष्ण से अस्त्र धारण न करा दिया तो मैं शांतनु पुत्र नहीं हूँ। भीष्म कौन है, भगवान के परम भक्त हैं, भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपने व्रत को भी तोड़ देते हैं, भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपना व्रत तोड़ दिया, भीष्म जी ने उनको अस्त्र धारण करा दिया। ऐसे कौन है, भगवान सत्यव्रत हैं, सत्यव्रत हैं, वो अपने भक्त के व्रत का पालन किया। और प्रहलाद महाराज जी, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद महाराज जी से, पता तेरा भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा क्या मुझे तो सब जगह दर्शन होते हैं, उनके इस खंभे में भी हैं, जैसे सूर्या के इस खंभे भी हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा हाँ मुझे तो इसमें भी दर्शन हो रहे हैं। तो प्रहलाद जी की वचन का पूरा करने के लिए भगवान उस खंभे से ही प्रकट हो गए। तो ऐसे परम सत्यवृत्ति हैं भगवान, सत्य परम, परम मतलब होता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ सत्य हैं उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, बाकी जो भी कुछ हमें दिखाई देता है वो सब क्या है, असत्य है। भगवान और भगवान से संबंधित जो भी वस्तु है, उनके भक्त हैं, उनका धाम है, सब कुछ वो क्या है, श्रेष्ठ सत्य है। त्रिसत्यम, त्रिसत्यम मतलब जो तीनों कालों में सत्य हैं, जिस समय सृष्टि होती है भगवान उस समय भी हैं, प्रलय होती है उस समय भी हैं, और जिस समय पालन करते हैं वो उस समय भी हैं, वो सर्वदा वर्तमान है। और जैसे सुना होगा कि जब सृष्टि होती है तो किनसे होती है, भगवान ही करते हैं, पालन कौन करता है, भगवान ही करते हैं, संहार कौन करता है, वही भगवान ही करते हैं, सब कुछ का कारण भगवान ही है, ऐसे बताया वो त्रिसत्य है, वो हमेशा सर्वदा वर्तमान रहते हैं। और सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, जो क्या है, सत्यस्य योनिम जिनसे सारे पदार्थ निकलते हैं, ये जगत, चित जगत, जीव जगत और जड़ जगत, इन तीनों के उद्गम स्थल है भगवान। फिर बताया सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, भगवान कौन है, सत्य के भी परम सत्य हैं, उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, वो ही परम सत्य हैं। ऋत सत्य नेत्रम जो इस सारे जगत को ऋत सत्य नेत्रम सत्य नेत्रों से देखते रहते हैं, दृश्यमान हैं। और सत्यात्म शरण परिपन्न ऐसे जो परम सत्य हैं उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो देवताओं ने स्तुति की भगवान की, सबको भगवान ने क्या, देवताओं ने क्या बताया, सब जगह सत्य सत्य बताया, और पहले श्लोक में ही बता दिया सत्यम परम धीमी, ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। फिर हमारे रसिक आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसकी टीका में बताया कि कृष्ण ही परम सत्य है ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बताया कि केवल माधव पूजय सो ज्ञानी राधा अनादर करे अभिमान। इसको उन्होंने राधा पर लगाया, कल इसको बोलना मंगला टीका में ना बहुत अच्छे तरह से एक एक शब्द को बताया, हाँ अच्छे तरह से बताया कैसे उस श्लोक को राधा पर कल उसका इसको क्या, ठीक है, इसको बढ़िया कर देख करना, ये तो मेरे पास तुम कर। अच्छा गूगल मुझ के पास
काल प्रकट जाए उसके बाद जो बोलते अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमारक्तम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथा योग्य प्रणाम। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे वेणुगीत श्रीमद भागवतम के अंतर्गत किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ब्रज गोपियों ने जब कृष्ण की मधुर वेणुनाद का श्रवण किया तो उनकी चेष्टाओं का वर्णन करने के लिए अपनी स्वजातीय सखियों के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उपस्थित होने पर भी वहां पर मौन रूप में केवल मात्र कृष्ण के उस रूप का आस्वादन कर रही हैं। कृष्ण का क्या स्वरूप ब्रज गोपियों के आंखों में स्फुरित हुआ उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया था और उस श्लोक की विस्तृत व्याख्या हमने कल श्रवण करी। यद्यपि कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन भागवतम के अनेक प्रसंगों में दिया गया है, लेकिन विशेष करके वहां पर तीन स्तुतियां हैं। एक ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सखा और बछड़े चोरी कर लिए तो उस समय पर जब उन्हें बाद में ज्ञात हुआ कि ये साक्षात परम तत्व भगवान ही हैं, तो उन्होंने भी आकर कृष्ण की स्तुति करी थी। तो कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्होंने जो पहला श्लोक बोला था नौमिड्य ते अब्र वपुषे तड़ितं भराय गुंजावदंस परिपिच्छ लसन मुखाय वन्ये स्रजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांग जाया। इस श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी भी कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है। इसके अंदर बतलाते हैं किस प्रकार कृष्ण ने तड़ितंबर आया, कृष्ण ने पीतांबर धारण कर रखा है, उनके सर पर मयूर पुच्छ है, हाथ में उन्होंने दही चावल और दूध चावल खा रहे हैं, सखाओं के साथ में परिवेष्टित हैं। इस तरह से कृष्ण का सुंदर स्वरूप ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। और एक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन आता है जब यज्ञ पत्नियों ने, कौन कौन भात्रोल गए हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा में, जब भात्रोल जाते हैं हम लोग यज्ञ पत्नियों का स्थान है। एक समय ब्राह्मण पत्नियां ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे तो उनकी पत्नियां कृष्ण के लिए सब भोजन इत्यादि लेकर गई थी, तो जब वे कृष्ण से मिली थी तब उन्होंने भी कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया, कृष्ण का कितना सुंदर स्वरूप है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल अनुवेशम अनुवृत्त यटांशे विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनानम अब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्ज हासम। इस श्लोक के अंदर कह रहे हैं ब्रज गोपियां श्री यज्ञ पत्नियां कहती हैं कि कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है, श्याम वर्ण स्वरूप है, कृष्ण ने पीताम्बर धारण कर रखा है, अपने सखाओं के साथ में जब खड़े हैं कृष्ण के बाम तरफ उनके सखा खड़े हैं, सखा के कंधे पर ऐसे करके हाथ रख के खड़े हुए हैं और सीधे हाथ में कमल पुष्प है और एक कमल पुष्प को ऐसे करके घुमा रहे हैं और कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप है उन्होंने वनमाला धारण कर रखी है जो गले से चरणों तक जा रही है, इतना सुंदर कृष्ण का स्वरूप है। तो अगर तटस्थ रूप से विचार करेंगे इन तीनों स्तुतियों में से, तीनों कौन कौन सी, एक जो ब्रह्मा जी ने करी, एक जो यज्ञ पत्नियों ने करी और एक जो ब्रज गोपियां जो सुखदेव गोस्वामी वेणु गीत में वर्णन करते हैं, इन तीनों में से जो ब्रज गोपियों द्वारा वर्णन की गई स्तुति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके पीछे कारण बतलाते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने स्तुति करी तो उसके अंदर कुछ ऐश्वर्य भाव मिश्रित है। ब्रह्मा जी ये जान गए कि ये साक्षात भगवान है, देखने में साधारण बालक लगता है लेकिन ये मेरे पिता के भी पिता के भी पिता का भी पिता है ये। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए कहते हैं नौमी अर्थात मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, इड्य आप मेरे ईश हो। इस तरह से उसके अंदर क्या है, ऐश्वर्य भाव है, उनको ऐश्वर्य भाव से स्तुति करी है। लेकिन जब अगर विचार करेंगे जो यज्ञ पत्नियों की स्तुति है, यज्ञ पत्नियां यद्यपि ऐश्वर्य भाव तो नहीं है लेकिन तब पर भी कृष्ण के प्रति एक गौरव बुद्धि है, कृष्ण के प्रति, कृष्ण और बलराम दोनों के प्रति उनकी गौरव बुद्धि है, इसीलिए उनकी स्तुति भी इतनी श्रेष्ठ नहीं है। और विशेष करके यज्ञ पत्नियां क्योंकि ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुई है तो इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, उनको वापस लौटा दिया। यज्ञ पत्नियां यद्यपि अपने ब्राह्मण पतियों को छोड़कर आ गई थी कृष्ण के पास ही, ये कह के कि हम तो कृष्ण के पास ही रहेंगे, हम दोबारा तुम्हारे पास में नहीं आएंगे,
लेकिन फिर भी कृष्ण ने क्या किया, उन्हें लौटा दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने वर्ण और आश्रम का पूरा ध्यान रखते हुए, उसी प्रकार कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को स्वीकार नहीं किया, उन्हें वापस लौटा दिया। तो ये जो भातरौल स्थान है जहां पर उन्होंने स्तुति करी है, ये मथुरा और वृंदावन इन दोनों के बीच का स्थान है। तो ऐसा श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वहां पर टीका में कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस ऐश्वर्य भूमि और माधुर्य भूमि के मध्य के स्थान पर, तटस्थ स्थान पर रहकर उन्होंने कृष्ण के रूप का आस्वादन किया है, अपने भावों को व्यक्त भी किया, इसलिए अगले जन्म में उनको नित्य सिद्ध ब्रज गोपियों का संग प्राप्त हुआ हो और तब जाकर उनको हो सकता है कृष्ण की मधुर लीला में प्रवेश मिला हो। लेकिन अभी तो उनको कृष्ण की मधुर लीला में प्रवेश नहीं मिला, उनके प्रति भी उनकी स्तुति में गौरव भाव था। लेकिन जब ब्रज गोपियों ने कृष्ण की रूप माधुरी का जो वर्णन किया है उसके अंदर पूर्ण माधुरता है, इसीलिए ब्रज गोपियों की स्तुति ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण के रूप का वर्णन किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद में यद्यपि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरा श्रुत्या बजस्त्रिय सर्व वर्णयन्त्यो धीरे धीरे, कहते हैं ये जो वेणुनाद कृष्ण ने अभी किया ये है सर्वभूत मनोहरक। जब कृष्ण ने रास से पहले वंशी बजाई थी वो थी गोपीभूत मनोहरक, अर्थात वो वंशी ध्वनि केवल मात्र ब्रज गोपियों के कान में ही गई, लेकिन कृष्ण ने अभी जो वंशी बजाई है वो समस्त ब्रजवासियों के कानों में गई और उसको सुन के सभी के हृदय में अपने अपने भाव के अनुरूप वो भाव उच्छलित हुआ। और इसको सुनकर ब्रज गोपियां अपनी समझाती गोपियों के समक्ष एकत्रित होकर कृष्ण की वेणु माधुरी का वर्णन करना चाहती है कि कृष्ण ने कितनी सुंदर वंशी बजाई है, उसका वर्णन करना चाहती है। लेकिन क्योंकि कृष्ण का रूप सामने उत्पन्न हो गया तो इसीलिए वेणु का चर्चा तो दूर रह गई और कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगे। क्या कहती है, अक्षुणताम फलमिदं न परम वेदाम सख्यन पशून अनुविवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश श्रुतयोर अनुवेणुजुष्टम् येर्वानिपीत अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, राधिकार भाव गंभीर चित्त जेवा महाधीर, कहते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव बड़े गंभीर हैं और ब्रज गोपियां भी ऐसे ही गंभीर भाव को धारण करने के कारण उनकी जो युक्तियां हैं वे भी बड़ी गंभीर हैं, वे भी बड़ी गंभीर है। यद्यपि वर्णन तो करना चाहती है कृष्ण के रूप माधुरी का, लेकिन क्या कर रही है यहाँ पर, क्योंकि अपने भाव को छिपाना चाहती है, कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो है उसे व्यक्त नहीं करना चाहती, इसीलिए कृष्ण और बलराम दोनों का वर्णन कर रही है। कह रही है अक्षुणताम फलम इदम न परम विदाम, आंखों की सबसे सर्वश्रेष्ठ फल तो यही है और हम कुछ नहीं जानती। अब यदि कोई प्रश्न करेगी आंखों के क्या सर्वश्रेष्ठ फल है ये तो बतलाओ, आंखों से जिस चीज का तुम दर्शन कर रहे हो उस रूप की माधुरी का तो वर्णन करो, तब जाकर कहती है वक्त्रम व्रजेश शुद्धयो, कि जो व्रजेश शुद्ध है, व्रजेश शुद्धयो अर्थात द्विवचन काम में ले रही है, द्विवचन अर्थात दो कौन है कि कृष्ण और बलराम जब गौचारण करते समय श्रीदाम मधुमंगल दाम इत्यादि सखाओं के साथ में अनेक अनेक गया समूह के साथ में जब एक मन से दूसरे मन की ओर प्रवेश करते हैं तो उस समय पर उनके उस रूप माधुरी का जिसने दर्शन किया है उनकी ही आंखें धारण करना सार्थक है, उसके अलावा जिनकी आंखें हैं वो आंखें निरर्थक है। अर्थात जिसने कृष्ण और बलराम की इस रूप माधुरी को कभी आंखों से नहीं देखा, जिससे ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें नहीं, उनकी आंखें व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान ये न हेरे से चांद बदने से नयने केवा काज पड़ुक तारे मुंड बाज से नयने रहवा की कारणे। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जिसने कृष्ण और बलराम की स्वरूप माधुरी का आस्वादन नहीं किया आखिर उन नयनों की उन आंखों की क्या काम है, उन आंखों का रहना और नहीं रहना सार्थक है। सुत गोस्वामी बात वर्णन करते हैं ना, बरहाई तेते नयने नराणाम लिंगाने वृक्षणो न निरीक्षितो य, अरे आंखों की सार्थकता तभी है जब इससे श्री कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन कर लिया, ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन कर लिया, नहीं तो देखना मयूर पंख के अंदर भी आंखें होती है, मयूर पंख के ऊपर जैसे आंखों का शेप बना होता है ऐसे ही तुम्हारी आंखें भी वैसी ही है, अगर इससे इस जड़ जगत के रूप इत्यादि का तो दर्शन किया लेकिन ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन नहीं किया। इसीलिए ब्रज गोपियां कहती है कि जिसने ब्रजेश श्रुतियो वक्त्रम ब्रजेश श्रुतियो अर्थात सखाओं के साथ में गैया के साथ में परिवेष्टित उस कृष्ण बलराम की रूप माधुरी का जिसने आस्वादन किया
उन्हीं की आंखें धारण करना सार्थक है। अक्षुणताम फलम इदम, सबसे सर्वश्रेष्ठ फल आंखों का यही है। यहाँ पर टीकाकार प्रश्न करते हैं कि भैया व्रजेश सुतयो, व्रजेश व्रज अर्थात ये व्रजधाम, व्रज ईश अर्थात व्रज के राजा, और व्रज के राजा के सुत अर्थात नंद बाबा के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण के लिए जब वो कह रहे हैं व्रजेश सुत तब तो ठीक है, लेकिन बलराम जी के लिए व्रजेश सुत क्यों कहा? बलराम जी तो रोहिणी और वसुदेव के पुत्र हैं। तो उस समय पर टीका में कहते हैं कि हरिवंश पुराण में वर्णन है कि श्री वसुदेव महाराज भी अनेक अनेक गैयाओं के गोधन के बड़े स्वामी थे, इसीलिए ब्रज के अंदर उन्हीं की भी ख्याति है ब्रजेश के रूप में, वो भी ब्रज के राजा ही हैं। और विशेष करके बलराम जी का जन्म तो नंद भवन में हुआ है, रोहिणी मैया पहले ही नंद भवन में आ गई थी और बलराम जी का जन्म भी नंद भवन में ही हुआ है, तो जन्म से ही बलराम जी यशोदा और नंद बाबा को अपना पिता माता के रूप में ही देखते हैं। जब वसुदेव महाराज कृष्ण के, जब श्री नंद बाबा कृष्ण के जन्म के पश्चात गए थे कंस को टैक्स देने, तो उस समय पर उनकी जब वसुदेव महाराज से भेंट हुई तो उन्होंने भी यही बात को अनुमोदन करते हुए कहा कि मेरा पुत्र बलराम आप दोनों को ही माता पिता समझता है, आप दोनों को ही माता और पिता मानता है, इसीलिए मानो वसुदेव महाराज भी यहाँ पर अनुमोदन कर रहे कि ब्रजेश सुत मेरा बेटा आपका ही पुत्र है, नंद बाबा का ही पुत्र है बलराम जी। जब कृष्ण और बलराम दोनों चले गए थे मथुरा, पुनः जब वापस जब मथुरा से ब्रज में आए और मैया यशोदा और नंद बाबा से मिले थे, उस समय पे भी बलराम जी ने नंद यशोदा को माता पिता कहकर ही संबोधित किया है। तो इस तरह से अनेक अनेक प्रमाण देते हैं कि भैया अगर ब्रजेश शुद्ध बलराम जी के लिए भी प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। और विशेष करके ब्रज गोपियां तो अपने भाव को छिपाने के लिए, कृष्ण के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है उसको छिपाने के लिए दोनों के रूप माधुरी का वर्णन कर रही है, ताकि उनके हृदय का भाव किसी को पता ना चले कि भैया कृष्ण और बलराम देखो दोनों कितने सुंदर है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं वक्रम ब्रजेश सुत्य और अनुवेणु जुष्टम, जैसे ही कह दिया अनुवेणु जुष्टम अर्थात राम कृष्ण मध्य स पश्चातवर्ती तस्य अनुवेणु जुष्टम, कहते हैं कि भैया कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में जब चल रहे हैं आगे आगे सारी गैया हैं, उसके पीछे सारे सखा चल रहे हैं और सबसे पीछे कृष्ण और बलराम, और कृष्ण और बलराम दोनों में से भी जो पीछे चल रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र अनुवेणु जुष्टम, जिन्होंने अपने हाथों में मुरली धारण कर रखी है। अभी कृष्ण और बलराम दोनों में से मुरली तो कृष्ण ही धारण करते हैं, इसलिए ब्रज गोपियों का गूढ़ भाव तो यही है कि जिसने पीछे मुरली धारण कर रखी है अनुवेणु जुष्टम, अगर उसके रूप का यदि किसी ने आस्वादन कर लिया, उसके रूप का यदि इन आंखों से किसी ने दर्शन किया है तो अक्षुणताम फलम इदम, उन्हीं की आंखें धारण करना सार्थक है। विशेष करके देखो ब्रज के अंदर कई सारी गोपियां हैं, लेकिन सभी गोपियों के हृदय का भाव तो वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन मुख्यतः उसके अंदर श्रीमती राधा रानी चंद्रावली इत्यादि सखियों का भाव श्री टीकाकार वर्णन करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली इत्यादि गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए सब समय उत्कंठित रहती हैं, हमेशा कृष्ण से मिलने के लिए उनके हृदय में उत्कंठा रहती है, लेकिन उनकी जो सखियां हैं श्री रूपमंजरी रतिमंजरी ललिता विशाखा इत्यादि, उनको कृष्ण से डायरेक्ट मिलने में कोई उत्कंठा नहीं रहती है, बल्कि राधा कृष्ण का युगल मिलन किस प्रकार हो उसके लिए वो हमेशा चेष्टारत रहती है, उसके लिए हमेशा वो उत्कंठित रहती है। तो इसीलिए जब कहते हैं वक्त्रम वजेश सुति और अनुवेणु जुष्टम, तो ब्रजेश सुतयो या ब्रजेश सुतयो किसके लिए आया? कहते हैं ब्रजेश सुतश्च ब्रजेश सुताश्च, अर्थात ब्रजेश सुत श्री कृष्णचंद्र और ब्रजेश सुता श्रीमती राधा रानी, वो भी तो ब्रज के ईश अर्थात श्री वृषभानु महाराज, वृषभानु महाराज की जो पुत्री है श्रीमती राधा रानी। तो जब युगल सरकार इन दोनों के जब रूप माधुरी का अगर कोई दर्शन करे, इन दोनों के युगल दर्शन यदि कोई करे तो उसके नयन सार्थक है, उसी का ही ब्रज गोपियों का गूढ़ भाव है। जो मंजरियां हैं उनके हृदय का भाव यह है कि भैया अक्षुणताम फलम इदम, आंखों की सार्थकता तभी है जब ब्रजेश सुति और अनुवेणु जुष्टम, जब श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के साथ में हो उस युगल रूप का दर्शन करते हुए दोनों एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं? अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, एक दूसरे के प्रति बड़े प्रीति भाव से बड़े अनुरक्त भाव से एक दूसरे के प्रति कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को तिरछी चितवन से देख रहे हैं, बड़ी प्रेम भरी निगाह से अपनी भक्तों के प्रति कटाक्ष पात कर रहे हैं, ऐसा स्वरूप जिसने दर्शन किया है उनकी आंखें सार्थक है, उनकी ही आंखें धारण करना सार्थक है। जब इस प्रकार ब्रज गोपियों ने कृष्ण और बलराम के रूप माधुरी का वर्णन कर रही थी, बड़ी चेष्टा कर रही थी अपने भाव को छिपाने की, लेकिन तब पर भी छिपा नहीं पाई,
तो इसलिए और एक श्लोक के माध्यम से क्या कर रही हैं, सिर्फ कृष्ण बलराम के रूप का वर्णन किया। चूत प्रवाल बरहस्तवक उत्पलाब्ज मालानुकृत परिधान विचित्र वेशो मध्य विरेज तुरुलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमान। इस दूसरे श्लोक के अंदर कह रही हैं कि भैया कल बोल देना, श्लोक है ना, राहुल वांछा कल्पद्रुवस्य कृपा सिंधु भेश्य वंदना पावने वे वैष्णवनो ने सर्वप्रथम अपने बुद्धे प्राप्त सुने ऋषि चूडामणि ओम श्री पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति राशि दर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनन कोटि साक्षात जन्म प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने प्राण गुरुदेव जय नित्य लीला पर भीष्ट ओम श्री पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री मद्भक्ति राशि श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनकोटि साक्षात प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात जय नित्य लीला पर भीष्ट ओम श्री पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में साक्षात प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के सभी चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। देव का आदेश हुआ कुछ भागवत जी के बारे में बोलने का, भागवत जी के बारे में बोलने का उद्देश्य से प्रार्थना करूँगा कि मुझे कुछ बोलने की क्षमता प्रदान करे और जो मेरी त्रुटि हो जिससे मैं शुद्ध हो सकूँ। हम अभी श्रवण कर रहे हैं प्रभु से वेणु गीत के बारे में श्रवण कर रहे हैं, भागवत का ये भी हम सब लोग हर साल भागवत श्रवण करते हैं गुरुदेव के मुखारविंद से। कौन सा संवाद श्रवण करते हैं हम शुरुआत गुरुदेव कौन से संवाद से करते हैं कौन बताएगा? जो हम संवाद करते हैं उसमें बहुत सारे संवाद हैं, संवाद कौन सा श्रवण करते हैं और वो भागवत कहाँ पे हो रही है? सोना का जी ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और सूर्य गोस्वामी जी उसका आंसर एक ही सब कितने साल से 10 साल से कम से कम ये ऐसा हमारा श्रवण है, मेरा श्रवण है ऐसा, ठीक ऐसा हम सुनते हैं। चलो जैसा गुरुदेव सबको प्रेरणा दे सभी सुने और सभी ध्यान से रखते, तो उसी संवाद में हम सुनते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित जी राज्य धारण कर लेते हैं और अपना शासन संभालते हैं और बहुत सुंदर तरीके से अपना शासन कर रहे होते हैं जैसे उनके पूर्वज करके गए हैं उसी के अनुसार धर्म का अनुसरण करते हुए वे शासन करते हैं। तो एक दिन वे अपने राज्य में घूम रहे होते हैं तो उन्होंने देखा एक जगह कि एक शूद्र राज्य वेश धारण कर एक पैर जो कि एक पैर पर खड़ा था और एक गौ माता को पीट रहा था बहुत बुरी तरह से। ये आश्चर्यचकित घटना देखकर दृश्य देखकर राजा परीक्षित आश्चर्यचकित हुए कि मेरे राज्य में ऐसा क्या हो रहा है और ये कौन है जो है तो शूद्र और राजा का वेश धारण कर रखा है और एक पैर वाले बैल को जो पहले से एक पैर पे है उसको और एक गाय को क्यों पीट रहा है और इतनी बुरी तरह से पीट रहा है कि जैसे इन्होंने इसका कितना अहित कर दिया हो। तो राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखकर तुरंत अपना बाण धनुष बाण निकाला और तानकर उस शूद्र को जो कि राजा का वेश धारण करा हुआ था उसको साधन करते बोले ए तुम कौन हो और क्यों इन दोनों को जो निरपराध है उनको क्यों मार रहे हो और वाणीहीन है वे बोलते धन है इनको क्यों मार रहे हो, इसका क्या कारण है? तुम इस प्रकार कार्य करने से मृत्यु के भागी हो, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य ही मिलेगा। ये बात कहकर वह जो था वो रुक गया
शुद्ध वो तो कली था, वो रुक गया। इतना बोलने पर जब महाराज परीक्षित पास गए तो उन्होंने देखा कि वो जिसको पीट रहा था वो बैल एक पैर पर है। तो उन्होंने पूछा उस बैल से कि तुम्हारा ये दशा किसने की है, मुझे तुम उसका नाम बताओ कि तुम्हारे पहले से ही तीन पैर है और तुम जर्जर होकर इतना कांप रहे हो कि तुम्हारे अभी ही प्राण निकल पड़ेंगे, तो तुम्हारी ये दशा किसने की, मुझे सर्वप्रथम तुम उसका नाम बताओ कि जिससे मैं उसे प्राणों का दंड दे सकूं और अपने पूर्वजों का जो नाम कलंकित होने जा रहा था उसको मैं संभाल सकूं। क्योंकि पांडवों के काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी निरअपराधी पर निर्विरोधी पर कभी ऐसा अत्याचार हुआ हो तो मैं उसको रोक सकूं। तो वो बैल क्या बोलता है, बैल ये बोलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारे कर्म हैं वे हमारे प्रारब्ध के अनुसार होते जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वे हमें तुरंत अपने परिणाम स्वरूप में मिल रहे हैं, कुछ कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार किए गए विपरीत कार्यों के अनुसार हमें ये अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो आप तो विवेकी हो, पांडवों के वंशज हो, तो आप ही इस बात में निश्चित करो कि ये सब क्या हो रहा है। तो जब ये बात परीक्षित महाराज ने उस बैल के मुख से सुनी कि जिससे मैं जिसने इसकी हालत ये की है उसका नाम पूछ रहा हूँ, ये उसका नाम बताने के अलावा धर्म की बात कर रहा है, ये निश्चित ही धर्म है। तो इसमें गुरुदेव एक शिक्षा देते हैं कि जो भी हम कर्म भोग रहे हैं वो किसी भी अन्यथा के द्वारा नहीं भोगे जाता। ये भागवत जी स्वयं कह रही है इस पर इस समाज में कि जो भी कुछ हमारे शरीर के द्वारा कष्ट या कर्म या कुछ भी भोगा जा रहा है वह स्वयं उसके खुद के जिम्मेदार हम हैं, वह दूसरों का नाम नहीं बता रहा है इस बारे में। और उसी जगह की ये जो आंसुओं से नहाई हुई जो ये गाय खड़ी है ये साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है जो कि भगवान के श्री चरण कमलों के चिन्हों से सुशोभित होने के जो दुख है जो उसको नहीं मिल रहा है उससे ये वंचित हो रही है। ये साक्षात गौ माता ये पृथ्वी है। तो इस कारण ये दोनों वहां थे। तो इनका पहचान जब परीक्षित महाराज ने कर ली तो उन्होंने उसे कहा इसको जो शूद्र था वो जो राज्य का भेष धारण करके आया था कि तुम्हारा मेरे राज्य में आगमन नहीं हो सकता और तुम ही निश्चित प्राण दो मृत्यु दंड के भागी होंगे। तो जब महाराज परीक्षित ने उसको मृत्यु दंड देना चाहा तो वह अपनी मृत्यु के भय से अपने उस जो राज्य भेष था उसको त्याग कर महाराज परीक्षित के चरणों में तुरंत गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा तथा शरणागति की भीख मांगने लगा। महाराज परीक्षित तो शरणागत वत्सल है क्योंकि पांडवों के वंशज है तो उन्होंने उसको वध तो नहीं किया परंतु उससे पूछा कि तुम मेरे राज्य में कौन हो और कहां से आए और क्यों निरअपराधियों पर इतना अत्याचार कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं कली हूं और मैं जो आपका जो युग है वो परिवर्तित हो रहा है और मैं कली रूप में आया हूं। तो मैं जहां भी जहां कहीं जाता हूं मुझे हर जगह आप ही खड़े दिखते हैं धनुष बांधे, तो इसलिए मुझे आप अपने राज्य में कोई स्थान प्रदान करें जिससे मैं रह सकूं। उन्होंने कहा मेरे पास तुम्हारे यहाँ रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं है, तुम्हें मेरा राज्य छोड़कर जाना ही होगा अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और आपके पूर्वजों के अनुसार आप शरणागत को स्थान प्रदान करते हैं इसलिए आप मुझे भी स्थान प्रदान करें। जब इतनी विनती बार बार विनती कली करने लगा तो राजा परीक्षित ने उनको फिर चार स्थानों पर स्थान दिया। कहाँ कह दिया, जुए में और स्त्री संघ में, मध्यपान में और अहिंसा में, पहले की जीव हिंसा में कि जहां ये चार कार्य होते होंगे तुम वहां पर जाकर रह सकते हो। तो जब उस कली तो चतुर था, जब उसने इस बात का हिसाब लगाया कि ये चार कार्य काम मुझे एक साथ तो कहीं भी नहीं मिलेंगे कि मैं कहां जाकर रहूंगा, तो उन्होंने फिर महाराज परीक्षित महाराज से फिर दोबारा प्रार्थना करी कि मुझे चारों स्थान एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसा कोई एक स्थान प्राप्त है जहां पर मैं ये सब एक जगह मिल जाए।
तो उन्होंने फिर विचार कर फिर उनको एक स्थान में ओढ़ दिया कि जहाँ धन सोना होगा वहाँ तुम वास कर सकते हो। तो उन्होंने बताया, गुरुदेव बताते हैं कि जहाँ पर धन होगा वहाँ पर ये चारों अपने आप ही हो जाएंगे। जुआ कैसे खेला जाएगा? पैसे से। स्त्री संग कहाँ से होगा? पैसे से। कोई मांस मदिरा कहाँ से खाएगा? पैसे से। स्त्री संग मतलब है जहाँ पर अवैध रूप में धर्म रूप में नहीं, संसार पर शादी करके पति पत्नी घर गृहस्थी ठीक है, मगर शादी के जो अवैध रूप है वो कहाँ से होगा? वो सब पैसे से। जीव हिंसा कहाँ होगी? कि जहाँ पर पैसा होगा। तो उन्होंने उनको धन में पांचवी जगह, धन में तो पांच जगह उन्होंने वास दिया। तो यहाँ पर भागवत जी में बताया गया कि जो संत लोग होते हैं उनको इन पांचों चीज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर। जो भगवान का भजन करना चाहते हैं इनको इन पांचों चीज से, अगर वे इनके जरिए से भी संग में है वे भगवान का भजन नहीं कर सकते, ना ही प्राप्त कर सकते। स्वयं भागवत जी में ये बात साफ साफ लिखी है कि ये भगवान जी का भजन नहीं कर सकते। तो जिस जब परीक्षित को, परीक्षित महाराज ने कली को इतना ये रहने के लिए जगह दे दी तो वो वहां से चला गया और अपने उन स्थानों पर जाकर रहने लगा। उसके बाद जो वहां पर बैल थे जो एक पैर पर खड़े थे, महाराज परीक्षित ने उनके उन तीनों पैरों को दोबारे जोड़ा और गौ माता को भय से सांत्वना प्रदान करी और उनको अपने साथ लेकर अपने राज्य में आ गए। वांछा कर कृपा पावने। इसलिए उन्होंने कलयुग का स्थान दे दिया। क्या स्थान, किसी लिए स्थान दिया था? बोले कलेर दोसनी थे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्तम दत्त परम पर जय। इधर उसकी कटोरी बता। इसलिए कहते हैं इसलिए उन्होंने उसको स्थान दे दिया। यद्यपि कलयुग में दोष ही दोष है लेकिन कलयुग में एक गुण था है, अगर थोड़ी सी कोई हरि का नाम कीर्तन कर ले तो उनको पता था कलयुग में जीव ज्यादा साधन नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी भगवान का जो नाम को अगर जप कर लेगा तो क्या होगा, आसानी से भवसागर से वो पार हो जाएगा। और विशेष करके दूसरा कारण था कि जो कलयुग है ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं है। ये कौन सा कलयुग है? धन्य कलयुग है, जिस कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु स्वयं आने वाले। और ये कलयुग में देवता लोग भी मानव शरीर में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं और ये महाप्रभु की धारा में आना चाहते हैं। और कभी इनकी बात छोड़ दो, जो सत्ययुग का जो लोग है, सत्ययुग को कृतयुग कहते हैं। कृतयुग मतलब है धर्म उसी समय चार चरण में रहता था, कोई भी पाप कर्म नहीं करते थे, सबके सब भगवान की भक्ति करते थे, इसलिए उसको कृतयुग कहता था। उसी युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। तृतीय युग का कहते राम राज्य है, जिस युग में कोई भी दुखी नहीं रहते थे, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक के जितने दुख कष्ट है तृतीय युग में कहीं भी, यहाँ तक भी जो पशु पक्षी भी राम राज्य में पशु पक्षी भी दुखी नहीं रहते थे। इसलिए गुरुदेव कथा सुना रहे थे ना, कोई ब्राह्मण एक आ रहा था आकस्म में, कुत्ता रास्ता में लेटा हुआ था, इतने में क्या किया कुत्ते को, हट हट हटाने तो डंडा लेकर मारे तो सांप को राम दरबार बैठता है, कुत्ता आ गया। भगवान राम सबकी भाषा समझते थे, बोले कुत्ते भैया तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं रास्ता में सो रहा था इसने डंडे से मारे। बोले भैया तुमने डंडे से क्यों मारे? बोले मैं आते समय मेन रोड में सोया हुआ था तो उसको बोला हट हट, वो हटा ही नहीं, इसलिए मैं ठाकुर को पूजा सेवा करना था इसलिए मारा। बोले देखो मारना पाप है, मारना पाप, जो कुछ क्या मारना पाप है। इसलिए तब उसने बोले कुत्ते को, बोले इसको क्या दंड देना चाहते हैं? बोले आपको कलिंगर एक राज्य था, बोले इसके देश में वो कलिंगर का राज्य जो राज्य है वहां पर एक भगवान का मंदिर है उसकी महत्व बना दो। बोले कलिंगर सब जानते तो बहुत बड़ा राज्य है, मंदिर है जिसका बहुत सारी प्रॉपर्टी है। बोले तेरे को मारा तू कह रहे हो वहां की महत्व बना दो? बोले पहले जन्म में मैं भी वहीं का महत्व था। बोले ये कुत्ता क्यों बने? बोले ठाकुर के सेवा में जो व्यस्त आता था ना, आप देखना कोई चीज अगर कुत्ता देख लिया तो खाने का लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि उसको जीवा में हर समय लाल टपकता है खाने के लिए,
इसलिए मियां भाई ठाकुर के लिए कोई भी चीज हो ठाकुरते को दर्शन नहीं कुत्ते को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसका जीभ में पानी आ जाता है, हैं लोभ आ जाती है। इसलिए जो ठाकुर को सेवा में जो वस्तु आता था उसको मैंने क्या करता था, ठाकुर को आता था ठाकुर को सेवा के लिए मैंने बीच में हड़प लेता था, उसमें अपना भोग में लगाया, इसलिए मैंने बिल्कुल ठाकुर को सेवा में नहीं लगाया, इसलिए अभी मेरे को इकुता जीवन में आना पड़ा। देखो कुछ दिन पहले ये सही घटना है, नंदगांव में कोई के संत रहते थे, वो संत एक कुत्ता रोज आता था, जैसे होता है ना किसी कुत्ते को आप रोटी दे दोगे देखे ना रोज रोज घर के सामने आ जाएगा, वो आधु फिर लाता था कुछ कुत्ते को रोटी देता था, वो रोज वो कुत्ता आकर के रोटी खाता था। अभी वो संत को किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ा तो अभी कुत्ता तो भूखे, क्योंकि कोई साधु उसको खिला खिला था, कुत्ता तो भूखा, जब भूखा जो कुछ दिन बाद में वो संत घूम घाम करके आया ना, एक व्यक्ति दरवाजा बंद था, एक व्यक्ति कह रहा है मेरे भूखा हूँ मेरे को रोटी खिला दो, मेरे को रोटी खिला दो। दरवाजा खोल कर देखा कुछ है कोई है, बोले भैया इंसान का आवाज में कौन बोलता है, फिर घर में गया थोड़ी देर बाद फिर बोलता है मैं भूखा हूँ रोटी दो, फिर दरवाजा खोला बोले कोई नहीं, अरे ये भैया ये आवाज कहाँ से आता है, फिर उसने दरवाजा बंद कर फिर घर में गया फिर आवाज आया मैं भूखा हूँ मेरे को रोटी दो, दरवाजा खोल कर कुत्ता बोल रहा है इंसान बोल से। तो संत ने कहा भैया तू क्या बात है, तू इंसान का बोली से ये क्या बोल रहे, तो रोटी दो क्या बात है, तुम है कौन। तो बोले वो मंदिर का मैं पुजारी था, अमुक मंदिर का, जो ठाकुर के सेवा में जो वस्तु आता था उसको मैंने बीच में हड़पा है, उसको मैंने भगवान की सेवा में नहीं लगा करके मैंने अपना परिवार की सेवा में लगा दिया, भगवत सेवा में नहीं लगा, इसलिए मेरे कुत्ता बनना पड़ा। तो उसने बोले बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बोले अम्ब जगह पर कुछ पैसा मैंने रखा है जो ठाकुर की सेवा में, जाओ उस पैसा को लेकर के तुम जा करके सब लेकर ठाकुर की सेवा में लगाओ, ठाकुर को भंडारा करो उत्सव लगा दो, इसलिए मेरे को उधार हो जाए, फिर उसको उधार हुआ। और एक घटना एक संत सुनाया करते हैं, एक संतों को देखा भूत बनकर घूम रहा है, एक गुरु भाई था एक दिन देखा अपना गुरु भाई को देखा, अरे तू तो मर गया तो यहाँ पर क्या, तू तो मर गया था यहाँ पर कैसे। तो उसने कहा भैया मैं प्रेत बन गया। तो प्रेत बन गया बोले हाँ, बोले बताओ तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बोले कुछ ठाकुर के सेवा कुछ पैसा आया था, मैं अमुक स्थान जंगल में अमुक स्थान पर तू जा, वहां पर वो पैसा रखा हुआ है, वो पैसा को लेकर ठाकुर की सेवा में लगाओ, साधु संतों की सेवा में लगा दो तो मेरी उद्धार हो जाएगी। फिर उन्होंने पैसा को लेकर के फिर भगवत साधु संतों की सेवा में लगा फिर उद्धार हुआ। इसलिए कहते राम राज्य में, मतलब राम राज्य में राम सभी की भाषा समझते थे, कोई पशु पक्षी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना गुरुदेव कहते थे सब आके राम दरबार लगता था शाम को, सब बोलते थे हमारी ये दुख है, ऐसे राम राज्य है। इसलिए कहते ना अयोध्या, मतलब जहाँ कभी युद्ध नहीं होता था अवध, जहाँ पर कभी वध नहीं होता था, ऐसे ऐसे राज्य है। लेकिन वो तृतीय युग का लो द्वापर युग आया, द्वापर युग में क्या हुआ, भगवान कृष्ण आए द्वापर युग। जब भगवान कृष्ण है, कृष्ण कौन है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है, समस्त कारणों का कारण भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण आए इतने प्रभाव था, धर्म चार ही चरण में धर्म विराजमान रहता था, अभी बोल रहा था ना पृथ्वी प्रसन्न रहती थी भगवान के चरण स्पर्श पा करके, धर्म भी प्रसन्न रहते थे, हैं ऐसे कहते द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में ये लोग इंसान बन करके महाप्रभु की धारा में आना चाहते, महाप्रभु की धारण तपन खाने यहाँ पर कुछ मिठाई भोग लगा दो, अजीत सबको प्रसाद मिलेगा, फटाफट भोग लगा। इसलिए कहते ये जो तीन युग का जो लोग है ना, कहते ये कलि युग में जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों, बोले कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, क्यों, ब्रह्मा की एक दिन में 1000 चतुर्युग को बाद में महाप्रभु एक बार आते हैं, और एक बार आकर के महाप्रभु क्या करते हैं, ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद लक्ष्मी ये जो प्रेम के लिए तरसते हैं महाप्रभु मुक्त हस्त में प्रेम प्रदान करते हैं। केवल थोड़ी महाप्रभु धारा में आओ,
चैतन्य महाप्रभु, इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं ना, हरिनाम करने से पहले क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, पहले इसको बोलते हैं ना, मतलब इनकी अनुगत्य में हम लोग हरिनाम करते हैं। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर आप देखना जिंदगी भर उन्होंने ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिंदगी भर हरि नाम किया। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जब उन्होंने शरीर त्याग दिए, महाप्रभु सामने खड़े, बोले प्रभु आपकी मुखचंद्र को दर्शन करते हुए, आपके चरण कमल को बख्श स्थल पर धारण करते हुए, जीवा में आपके नाम को ले लेकर के अंतिम स्वाद मैं त्याग देना चाहता हूँ। महाप्रभु सामने खड़े, मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण हो रहा है, और नाम उच्चारण करते करते अंतिम श्वास को त्याग दिया। तो एक समय से भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज वृंदावन में आए थे, तब हमने प्रश्न किया, बोले महाराज जी अब ये बताओ, जिंदगी भर उन्होंने हरिनाम से कीर्तन किया, लेकिन अंतिम समय में है, अंतिम समय में फिर उन्होंने ये श्री कृष्ण नाम चैतन्य नाम क्यों उन्होंने ग्रहण किया है? अंतिम समय में तो उनको हरे कृष्ण नाम बोलते बोलते श्वास त्याग देनी चाहिए, अंतिम समय में श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों लिया? तो उन्होंने बल इसलिए लिया, उन्होंने जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, अगर महाप्रभु की अनुगत्य में है, अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को हम जप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, महाप्रभु का अनुगत्य में जब हमारी वस्तु सिद्धि होगी, मतलब जो भगवत प्राप्ति होगी, एक साथ में दो धाम में स्थान मिलेगा, एक तो महाप्रभु का धाम में महाप्रभु परिकर बन करके, जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु लीला में, रूप गोस्वामी ले कृष्ण लीला में, रूप मंजरी सनातन गोस्वामी महाप्रभु लीला में, कृष्ण लीला में लवंग मंजरी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु लीला में, कृष्ण लीला में रति मंजरी है, कहते कहते अगर महाप्रभु के अनुगत्य में अगर राधा कृष्ण को भक्ति करेंगे ना, हमें दो धाम में हमें स्थान मिलेगा, कहाँ, एक गोलोक वृंदावन और एक श्री नवद्वीप धाम में, स्वप्त द्वीप में हमें एक साथ में दो धाम में स्थान मिलेगा। इसलिए उन्होंने अंतिम समय में श्री कृष्ण चैतन्य नाम को उन्होंने उच्चारण किया है, इसलिए उन्होंने स्थान दिया। इसलिए आप लोग जो कंठी माला तिलक पहने, ये जो तिलक लगाए ना, ये जो तिलक लगाए हो, जो कंठी और हरिनाम कर दो, आप लोग साधारण नहीं है, शास्त्र कहता है आप सब सत्य त्रेता द्वापर युग में आए हो, विभिन्न देवता से भी बड़े हो आप लोग, तभी महाप्रभु धारा में तभी कोई आ सकता। भागवत कहता है साधारण व्यक्ति महाप्रभु की धारा में साधारण व्यक्ति आ ही नहीं सकता है, विशेष विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति ही आ सकता है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, पिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि, बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna.
हरी 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 हरी